हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सीओ गोरखनाथ के नेतृत्व में मकर संक्रांति और खिचड़ी मेले की सुरक्षा को लेकर गोरखनाथ मंदिर में हुआ एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल, कहा आगामी खिचड़ी मेले को शांतिपूर्ण कराएंगे संपन्न। गोरखपुर महोत्सव के दौरान महानगर के दीवारों पर किए जा रहे पेंटिंग प्रतियोगिता का मंडल आयुक्त ने लिया जायजा, कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने लिया जायजा, तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। रामगढ़ ताल के आसपास 500 मीटर के दायरे में नहीं हो पाएगा निर्माण, एनजीटी ने लगाई रोक, डीएम ने कहा आदेश का होगा पालन। महापौर और डीएम ने महानगर की सफाई व्यवस्था के लिए विधिवत पूजा अर्चना कर 60 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस लाइन के सभागार में व्यापारियों के साथ एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने की गोष्ठी, डायल 100 के बारे में की गई चर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न, संगठन के मजबूती पर की गई चर्चा। टीबी रोग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील स्थानों पर अभियान चलाकर 6 रोगियों की होगी खोज, पंजीकृत टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत प्रति माह मिलेगा 500 रुपये भत्ता। राज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने निकाला मोटरसाइकिल जलूस, पुरानी पेंशन बहाली की मांग। स्वामी विवेकानंद जयंती पर छात्राओं और शिक्षकों ने निकाली रैली, विवेकानंद को किया याद। नियमित मानदेय की मांग को लेकर आशा बहू ने दिया धरना, मांगे पूरी ना होने पर लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। विभिन्न मांगों को लेकर डाक कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी जारी रखा हड़ताल, कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के 12 सूत्रीय मांग के समर्थन में आए नरमू, निकाला मशाल जलूस। पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मियों का 2 दिवसीय हड़ताल रहा जारी। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने मलिन बस्ती में नुक्कड़ नाटक कर दिया सामाजिक सेवा का संदेश। केंद्रीय आह्वान पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का 2 दिवसीय हड़ताल रहा जारी, मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और मजदूरों के समर्थन में वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के समक्ष दिया धरना।